यूनाइटेड नेशन ने भारत पर लगाया बैन। यूनाइटेड नेशन ने लिया भारत से अपना बदला। पाकिस्तान का रडार सिस्टम हुआ फेल। भारत की केस स्टडी से ईरान को हुई मदद। पाकिस्तान पर हमले के बाद चीन हुआ खामोश। पाकिस्तान की तबाही की हुई शुरुआत। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत और स्थायी देशों के बीच परमानेंट सीट के लिए जबरदस्त तरीके से नोकझोंक चल रही है। यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज तो यूएन को छोड़ने तक की धमकी दे चुकी है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन ने भारत के एक एरिया पर प्रतिबंध लगाकर भारत को जबरदस्त झटका दिया है। आखिर किस मुद्दे पर यूएन ने भारत को प्रतिबंधित किया है, इसे आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं ईरान और पाकिस्तान से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो पाकिस्तान के रडार सिस्टम से जुड़ी हुई है। ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारत की केस स्टडी ईरान को बहुत काम आई है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। वहीं जिस वक्त ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, उस वक्त भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ईरान की यात्रा पर थे। लेकिन सोचिए, पाकिस्तान ने चीन को अपनी संपत्ति गिरवी रखकर चीन से ही रडार खरीदे। दरअसल रडार जिस एरिया में तैनात किया जाता है, उस पूरे एरिया को ट्रैक करता है। कोई फाइटर जेट, मिसाइल या फिर ड्रोन से दुश्मन की तरफ से टारगेट नहीं किया जा रहे हैं, यानी कि रडार दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी हवाई हमले को आसमान में ही ट्रैक कर लेता है, जिससे उन हमलों को हवा में ही नष्ट किया जा सके। भारत के केस में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 है, जो आसमान में किसी भी हमले को नस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने बहुत सी संपत्तियों को चीन के हाथों गिरवी रखकर चीन से गुजारिश करके दो रडार सिस्टम खरीद लिए थे। चीन ने पाकिस्तान से कहा कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर रडार सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर इस रडार की तैनाती के बाद दुनिया का कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दोस्तों, चीन के द्वारा जो रडार पाकिस्तान को मिले थे, उसमें IBIS-150 और JY-27A शामिल है। अब ईरान ने जो हमले किए हैं, उस हमले की जानकारी तक पाकिस्तान को नहीं लगी। इन चाइनीज रडार की तैनाती के बावजूद भी पाकिस्तान का एयर ट्रैकिंग रडार फेल हो गया। दोस्तों, आपको याद होगा पाकिस्तान के रडार सिस्टम की भारत ने पहले ही पोल खोल दी थी। जिस वक्त भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी, भारत की ब्रह्मोस 3-4 मिनट तक पाकिस्तान के अंदर घूमती रही और पाकिस्तान को इसका अंदाजा तक नहीं लगा। ऐसे में जब ईरान पाकिस्तान पर हमला करने की योजना बना रहा था, तो उस वक्त ईरान ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने की घटना का केस स्टडी तो जरूर किया होगा। तभी उसे पता चल गया होगा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा, यानी कि भारत की मिस फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल ने ईरान का काम बहुत ही आसान कर दिया था। एक तरफ पाकिस्तान का रडार सिस्टम फेल होने से दिल टूटा, तो दूसरी तरफ चीन ने अपने बयानों से पाकिस्तान को ही झटका दे दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन ईरान के द्वारा किए गए हमले की निंदा करेगा, लेकिन चीन ने निंदा करने की बजाय उसने ईरान को लेकर एक शब्द तक नहीं कहा, बस दोनों देशों के बीच समझौता करने के लिए एक बिचौलिए की भूमिका निभाने की बात कही। वहीं जो काम चीन को करना चाहिए था, क्योंकि चीन को ही तो पाकिस्तान अपना सबसे नजदीकी देश और अपना बड़ा भाई मानता है, उस काम को अमेरिका ने किया। अमेरिका ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की और अमेरिका ने पूछा कि आखिर क्यों ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागी। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य मामले में पावरफुल कंट्री है। अमेरिका और रूस के बाद चीन का ही नाम आता है, तो उसे वहम था कि जब भी पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो चीन जरूर उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन चीन तो बस भारत के मामले में ही पाकिस्तान का साथ देता है, क्योंकि चीन और भारत में दुश्मनी है, तो चीन भारत से कभी भी अकेले युद्ध नहीं लड़ सकेगा, इसलिए वह पाकिस्तान का सहारा लेता है। इसके अलावा चीन के द्वारा ईरान पर कोई भी टिप्पणी न करने की वजह ईरानी तेल भी है। दरअसल चीन को पता है कि ईरान के अंदर तेल का बहुत बड़ा भंडार है। भले ही मौजूदा वक्त में वह रूस से ज्यादा तेल का इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ईरान भी तेल एक्सपोर्टर में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव और बढ़ता है और दोनों के बीच युद्ध होता है, तो किसकी सेना किस पर भारी पड़ेगी, आइए इसे भी जान लेते हैं।
इसे जानने के लिए दोनों देशों के पास कौन कौन से हथियार हैं और उनकी कितनी तादाद है इसे खंगालना पड़ेगा। दोस्तों दोनों देशों के बीच सेनाओं की संख्या लगभग बराबर है। पाकिस्तान के पास लगभग 1400 एयरक्राफ्ट है, वहीं ईरान के पास 500 एयरक्राफ्ट है, लेकिन यह लगभग एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर बने हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर एयरक्राफ्ट भाड़े के हैं, यानी कि दूसरे देशों से खरीदे गए हैं। भारत के केस में भी आप कहेंगे कि भारत भी बहुत ज्यादा हथियारों का इंपोर्ट करता है, तो भारत की पॉलिसी अब बदल चुकी है। भारत अब ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। रशिया भले ही भारत का अच्छा मित्र हो, वे अपने हर हथियारों को भारत को देने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को पता है कि जो हथियार रूस भारत को देता है, उन्हीं हथियारों को अगर चीन भी मांग लेता है तो चीन को भी दे देता है। तो ऐसे में भारत को अपने खुद के हथियारों को बनाने की जरूरत है, इसलिए भारत ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड करने के लिए रूस का सहारा नहीं ले रहा, खुद ही इसे लगातार अपग्रेड करता जा रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन से भी भारत सीख चुका है कि जब तक खुद के हथियार नहीं रहेंगे तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन भारत जो पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, इसे पूरा होने में भले ही 5-6 सालों का वक्त लगे, लेकिन जब भी यह बनकर तैयार होंगे तो भारत दुनिया के किसी भी देश को टक्कर देने में काबिल हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आइए बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन से आई खबर की ओर। दोस्तों पूरी दुनिया में भारत चावल का उत्पादन करने वाले देशों में महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत अकेले पूरी दुनिया के 40% चावल की जरूरत को पूरा करता है, जिससे कई देश भारत पर निर्भर होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को स्थिर रखने के लिए गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है, जिसको लेकर अब यूनाइटेड नेशन की ओर से खबर आई है कि यूनाइटेड नेशन ने भारत की इस कदम पर अपनी नाराजगी जताई और साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भारत को यूनाइटेड नेशन ने बैन कर दिया है, जिसके चलते भारत यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में अपने चावल को नहीं बेच पाएगा। दरअसल पिछले साल भारत में चावल की कम पैदावार के चलते भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसको लेकर उस वक्त भी अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों ने भारत की निंदा की थी। वहीं अब यूनाइटेड नेशन भी इसे लेकर भारत पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई चावल की खरीद के टेंडर में भारत को भाग न लेने के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन वर्ल्ड अफेयर्स की तमाम खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथ ही यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।